हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल कुकिंग विदुषा में आप सबका स्वागत है। आज हमने ये आम का बिना तेल का अचार बनाया है। इसमें हमने मसालों का यूज भी नहीं किया है, सिर्फ नमक और मिर्च का यूज किया है। अचार बहुत दिनों तक चल जाता है। मेरे पास 3 साल का अचार रखा हुआ है, अभी तक खराब नहीं हुआ है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जो तेल नहीं खाते हैं उनको भी फायदेमंद होता है। आप इसे पूरी के साथ, चपाती के साथ, तहरी के साथ, पुलाव के साथ, रूखा भी खा सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मेरे पास ये अचार रखा है लास्ट ईयर का, अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, एज इट इज रखा हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट अचार है ये, तो इसीलिए मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। क्योंकि इस अचार को अगर आप इस तरह से बनाएंगे जो मैंने बनाया है, तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। आप चलते हैं रेसिपी की तरफ, हमने इसको किस तरह से बनाया है। ये मैंने कच्चे आम लिए हैं 4 किलो, और इन 4 किलो का मैं हिंग का अचार बनाएंगे हम, जो कि हमारा जो अचार है लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन इस अचार से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। आप उनसे चटनी बना सकते हैं, पूरी के साथ, परांठे के साथ, कैसे भी खा सकते हैं। इसीलिए हम इसको प्रिजर्व कर रखते हैं हींग के अचार के रूप में, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एक यूनिक फ्लेवर होता है। ज्यादातर ये उत्तर भारत में बनाया जाता है। ये मैंने जब बाजार से लिए थे तो उनको मैंने पानी में डाल दिया था, 1 बाल्टी पानी में, क्योंकि बाहर रखे रहने देते तो ये पक जाता। अब इन्हें धो करके, साफ करके, अब हम इन्हें छील लेंगे। अब इनका जो ऊपर का हिस्सा होता है, इसको हम काट लेते हैं। देसी आम है ये, और इनको हम छील लेंगे। और इनके हमने इस तरह से पतले पतले पीसेस कर लिए हैं। अगर आपको इस तरह का भी आम मिलता है मार्केट में, जिसमें की जाली कट जाती है, तो इस तरह के आम से ही हिंग का अचार बनता है, जिसमें जाली नहीं होती है। ये हिंग का अचार उसी से बनता है। लेकिन जब नहीं मिलता है तो हम इसी तरह से जाली वाले आम का बना लेते हैं। ये हमारे 4 किलो का पल्प है, का मैंने मेजरमेंट किया है। इसमें हम 100 ग्राम हम नमक डाल देंगे। इसको हम इस तरह से कर देंगे और इसको हम 2 दिन रखेंगे, और 2 दिन में इसे 4-5 बार इसी तरह से हिला देंगे। हमें इसमें कोई हाथ नहीं डालना है, सिर्फ हमें इस तरह से हिला देना है, क्योंकि इसमें पानी छोड़ देगा आम, तो इसमें जो पानी निकलेगा उसी के हिसाब से ये अचार बनता है। अब मैं इसको इससे ढक देती हूँ, जिससे इसमें मक्खी मच्छर कोई बैठेगा नहीं। और ये बीच बीच में हम 2-3 बार हिला देंगे, जिससे ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाता है। अब इसे जब मैं हिलाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। इसको 12 घंटे हो गए हैं। मैंने 6 घंटे पहले इसको एक बार हिला दिया था। अब देखिए, इसमें कहीं कहीं अभी हरा है, इसलिए मैं अभी और रखूंगी। इसको कल सुबह धूप में रखूंगी। एक बार हमने और हिला दिया, इसी वजह से इसे ऊपर के नीचे हो जाएंगे, नीचे के ऊपर हो जाएंगे। इसमें हाथ नहीं लगाना है बिल्कुल, आप चम्मच का यूज कर सकते हैं। कल सुबह हम इसे फिर दोबारा खोलते हैं, एक बार शाम को और हिला दूंगी, फिर कल सुबह इसे हम सुखा देंगे धूप में। हमारे आमों को नमक में पड़े हुए 36 घंटे हो गए हैं। अब इनको मैं छान लेती हूँ। मैंने नीचे एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसके ऊपर ये छलनी रख दी है मैंने स्टील की। अभी इसमें से निचोड़ता रहेगा पानी, नीचे पानी निकल रहा है। अब इसको मैंने ऐसे रख दिया है, थोड़ा सा अपना निचोड़ जाएगा। इसको मैं ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको 1 घंटे बाद देखूंगी, सब पानी निकल जाएगा, फिर इसको हम धूप में फैला देंगे। मैंने आमी को 1 घंटे बाद निकाल के लाई हूँ, और अभी मैंने इनको धूप में डाल दिया है। तो ये मैंने यहाँ पर सुखा दिया है एक बारीक कपड़े पर। ये जॉर्जेट का दुपट्टा था, इसके ऊपर फैला दिया है मैंने। अब ये यहाँ पर करीब 4 बजे तक धूप रहती है। अब सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने इसको फैला दिया है। अब यहाँ पर इसको मैंने इससे ढक दिया है, जिससे ये चींटियां, इसमें मक्खी वगैरह ना बैठे। तो मैंने जब निचोड़ने के 1 घंटे बाद मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। 3:30 बजे के करीब या 4 बजे के करीब इसको मैं हटाऊंगी यहाँ से, फिर देखते हैं कि कैसी इसकी स्थिति है। बिल्कुल सूख गई है, कहीं इसमें कोई भी वेटनेस नहीं है कहीं भी। देखिए, अगर गीली रहेंगी तो ये खराब हो सकता है अचार, बिल्कुल जब एकदम सूखी नहीं है, सॉफ्ट है, लेकिन पानी की मात्रा कहीं नहीं है इसमें। जो पानी हमारा कल आमे से निकला हुआ था, निचोड़ा था हमने, अब इस पानी में हम चाय वाली चम्मच होती है छोटी वाली, ये हमने 2 TSP घर की जो तेज वाली मिर्च होती है, बहुत तेज है, ये डालते हैं इसमें। ये हमारी जो हींग है, ये जो प्योर हींग आती है ना, जो कि बहुत तेज होती है, हम खाने में इतनी ही डालते हैं सिर्फ सब्जियों में, बहुत छोटी चुटकी भर डालते हैं। 1/8 TSP है जो मैं हींग डाल रही हूँ इसमें। इसमें मैंने ये 40 ग्राम चीनी डाली है, 5 TSP हमने ये शुगर डाल दी है इसमें। इसको डाइल्यूट कर लेते हैं, इसमें कुछ और नहीं पड़ता है। अब इसमें ही हम इसको डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला देते हैं।
ये अचार 5 दिन के बाद खाने लायक हो जाता है। मेरे पास अभी भी अचार रखा हुआ है, 3 साल पुराना, और एक लास्ट ईयर का भी रखा हुआ है अचार। मैं आपको दिखाती हूँ लाके, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप चाहें तो चीनी ना डालें, चीनी तो मैंने अपने टेस्ट की वजह से डाल दी क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे खाते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ इससे तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसे। ये बिना तेल का अचार होता है और हमें इसी तरह से इसको मिला के रखना है, और इसे मिलाने के बाद हम बर्नी में भर देंगे और 2-3 दिन की धूप दिखा देंगे। आजकल धूप निकल रही है अच्छी सी, तो ये अचार बहुत ही ज्यादा एक तरह से धूप से स्टरलाइज हो जाता है बिल्कुल भी। इसमें सूर्य की वजह से ये अचार बहुत सही बन जाता है। देखिए ये मिला दिया है मैंने, मैं भी आपको अचार ला के दिखाती हूँ। देखिए मेरे पास ये अचार रखा हुआ है, ये 3 इयर्स पहले का बनाया था मैंने, ये 2020 का अचार बना हुआ है और इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ ये ब्लैक पड़ गया है। जो बच्चे इसको तहरी से अचार से पराठे वगैरह से खाते हैं, तो ये अचार ऐसा ही था जो अब ऐसा हो गया है 3 साल बाद, और बहुत ही टेस्टी है। इसे आप कभी भी खाइएगा, बहुत ही यम्मी है, मैं तो इसको रूखा भी खाती रहती हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर का अचार है, कितना सूख गया है, बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है। ये लास्ट ईयर बनाया था मैंने, ये इसी तरह का अचार है क्योंकि मेरे पास तो रखा है, ये मुझे अभी किसी भिजवाना है तो मैंने कहा आपको मैं वीडियो बना के दिखाती हूँ। ये अचार इतना अच्छा बनता है, खराब नहीं होता है। मेरे पास 3-4 साल पुराने अचार रखे हुए हैं, आम का, नींबू का, सब मैंने बना बना के वीडियो रखे हुए हैं, बना के आपको दिए हुए हैं। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी देखिए कितना अभी अच्छा लुक हो गया इसका, मैंने इसमें ज्यादा तेज मिर्च नहीं करी है। मैंने जो बनाया था अपने घर के लिए इसमें ये बहुत ज्यादा तेज मिर्च है, इसमें 4 चम्मच चीनी डाली थी मैंने, तो बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। ये मैंने बना लिया है, इसको अब इस तरह चला दिया है। अब मैं इसको बर्नी में भर करके धूप में रखूंगी 3 दिन तक। बस ये रेडी हो गया है हमारा अचार। जो भी ये मेरे अचार खाता है, ये वाले जो अचार बनाए हैं मैंने, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और कहते हैं आप बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। तो मैंने सोचा इसको मैं अपने फ्रेंड्स को बना दूं। मैंने पहले बनाया था 2017 में बनाया था, उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है, लेकिन उसमें मैं नया नया बनाया था, तो इसलिए अभी बनाइए क्योंकि अभी आम चल रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर उसमें गुठली पड़ गई है, बिना जाली का नहीं मिल रहा है, तो आप वैसे वाले को बना सकते हैं। मैंने इस अचार को मिलाने के बाद 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए इसमें मसाला बिल्कुल मर्ज हो गया है। अब मैं डिब्बे में इसको पैक कर देती हूँ। ये मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा था मेरे पास, इसको मैंने धोकर स्टरलाइज कर लिया था और धूप में सुखा दिया था। अब मैं इसको भर देती हूँ। ये अचार इतना फायदेमंद है कि इसमें ना तो कोई तेल है ना मसाले हैं। आप मिर्च भी अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। नमक भी नॉर्मल है हमारा, जो मैंने डाला था वो बिल्कुल सही बैठा है। इसमें ज्यादा और कम कुछ नहीं हुआ है। बहुत सिंपल अचार है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये अचार ऐसा होता है कि आप इसे पूरी के साथ, रोटी के साथ, सब्जी के साथ कहीं भी यात्रा में ले जा सकते हैं। जो लोग तेल नहीं खाते हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है ये, क्योंकि मेरे पास ये अचार करीब करीब 3 साल का अचार रखा हुआ है। ये हमारा इतना बन गया है, ये 4 किलो आमी थी, इतना बढ़िया अचार बना है। और ये अपने आप ही धीरे धीरे हम धूप में रखेंगे 2-1 दिन, इसको ये अपने आप पक आएगा। बहुत ही टेस्टी है, मैं अभी भी 2-3 फांके खा चुकी हूँ इसका। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोई चूरन खा लिया है। अब इसको मैं इसे बंद करके रख दूंगी और इसे धूप में रखने जा रही हूँ। अब देखिए ये तो मेरा इस बार का अचार है, 4 किलो का, इतनी बर्नी भरी हुई है। और मैं आपको लास्ट ईयर का अचार दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास 2 साल के अचार रखे हुए हैं, इतनी भरी हुई है। 5 किलो का अचार था जो पूरा भरा हुआ था, इसमें से अभी 1/4 खत्म हुआ है और देखिए आज तक ऐसे ही बना हुआ है, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। देखिए थोड़ा कलर चेंज हो जाता है बस, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। बहुत ही टेस्टी अचार है। इस समय मैं इसको भी धूप लगा देती हूँ। ये अभी धूप में से ही उठा के लाई हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। ये दोनों अचार तैयार हो गए, अब इसको धूप रखने जा रही हूँ। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। आपको पसंद आती है मेरी रेसिपी तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय।